वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में मैं एक पेपर का डेमो सैंडल बना के दिखाऊंगा। पैटर्न जो पहले मैं आप लोगों को डिज़ाइन से कटिंग करके दिखा चुका हूं। सारे पैटर्न में से आप अभी इस काम के लिए लाइनिंग का पैटर्न नहीं लगेगा और ये सारे नेट पैटर्न को भी काम में नहीं लिया है और फोल्डिंग पैटर्न को भी काम में नहीं लिया है। इधर हिल का पैटर्न हो गया, इंसोल ऑफ लास्ट का पैटर्न और फिर सेंटर लाइन विथ इंसोल ऑफ लास्ट पैटर्न, ये सब नहीं लगेगा। सोल पैटर्न भी नहीं लगेगा। यहाँ पे ये लास्टिंग इंसोल विथ चैनल, ये पैटर्न को हम काम में लेंगे। अभी इस पैटर्न में नाइफ से एक विंडो कटिंग कर लेंगे, जिसकी मदद से इसमें मास्किंग टेप डाल के इसको लास्ट के बॉटम में अटैच कर देना है ठीक से। लास्ट के अपर साइड में जो एक्सेस मास्किंग टेप लगा हुआ है, यही चीज़ हम लोगों को गाइड करता है लास्ट के बॉटम में लास्टिंग इंसोल को ठीक से बिठाने का, क्योंकि यहाँ पे बीच का ये जो पोजीशन है वहाँ से आपका पैटर्न में जो चैनल है उसको ठीक से बिठाने में आपका जजमेंट लेने में आसानी होता है। अभी एक स्केल के मदद से पैटर्न को लास्ट के बॉटम में प्रेशर दे के अटैच किया जा रहा है, जहाँ पे मास्किंग टेप विंडो में दिया गया था। अभी डिज़ाइनिंग के बेस मॉडल को लास्टिंग इंसोल के चैनल में इंसर्ट किया जा रहा है और यहाँ पे भी गाइड के लिए लास्ट के ऊपर जो एक्सेस मास्किंग टेप लगा हुआ है उसका बीच का हिस्सा आपको ये काम करने में मदद करते हैं। इसकी मदद से आपका पैटर्न एकदम परफेक्ट पोजीशन में बैठ जाएगा। फेदर एज से लास्टिंग अलाउंस जितना मिलीमीटर लिया है उस हिसाब से उसको पकड़ के लास्ट के बॉटम में मास्किंग टेप से टाइट करके अटैच कर देना है दोनों साइड का, इनसाइड एंड आउटसाइड। इनसाइड एंड आउटसाइड पैटर्न को अच्छे से अटैच करने के बाद
अभी आउटसाइड पैटर्न का अगला हिस्सा जो थॉन्ग चैनल में जाएगा उसके साथ टोरिंग को मिला के एक टेप से अच्छे से यहाँ पे अटैच किया जा रहा है। अभी टोरिंग और आउटसाइड पैटर्न का अगला हिस्सा दोनों को एक साथ थॉन्ग चैनल में इंसर्ट कर दिया है और टोरिंग का बाहर का हिस्सा यानी इनसाइड वाला हिस्सा चैनल में से उसको अटैच किया जाएगा। फाइनली ये है आपका लास्ट डापर। अभी इस डेमो चप्पल को लास्ट से रिमूव करने के लिए जहाँ पे विंडो कटिंग में मास्किंग टेप लगाया गया था उसको स्केल के मदद से लास्ट से सेपरेट कर लिया जा रहा है। फाइनली ये है आपका डेमो पेपर का चप्पल। अभी इसको पैर में डाल के देखते हैं इसका फिटिंग कैसा आता है। मेरे इस लास्टिंग इंसोल का चैनल एरिया उतना मजबूत नहीं है, उसमें रिइंफोर्समेंट नहीं किया है, इसलिए ये थोड़ा उखड़ गया है।